चलिए तो लास्ट टुडे वी आर हैविंग आर न्यू टॉपिक्स डेट इज मैं तो मैं जब भी हम बात करते हैं तो इसमें हम क्या देखते हैं कि हमें क्या करनी है मेजरमेंट मेजरमेंट इन देंस जमीन की फिगर की या कोई भी एरिया है या कोई पिक्चर बनानी है तो हर चीज़ में किसकी रिक्वायरमेंट होती है मेजरमेंट आप जो तो स्क्रीन देख रहे हैं इसके भी क्या है कोई ना कोई मेजरमेंट है ठीक है जिस फोन पर आप अपना वीडियो देख रहे हैं उसके भी कुछ सब मेजरमेंट होगी तो हर चीज़ में हर जगह मेजरमेंट रिक्वायरमेंट पड़ती ही नहीं पड़ती है ठीक है तो ये बहुत मुझे काफ़ी सही लगता है जैसे कि आप लोगों को बिल्डिंग्स बनानी होती है तो उसमें भी हम एंसुलेशन का यूज़ करते हैं ठीक है चलिए अब उसके बाद आ जाते हैं हम इंट्रोडक्शन में इंट्रोडक्शन में क्या करते हैं हम देखते हैं पैरामीटर अगर आपके पास सपोज करो एक ये फिगर है और तो आपको इसका तो क्या मीशर करना बाउंड बाउंडन से सब यहाँ से स्टार्ट करोगे ऐसे मीचे करना है ठीक है तो जब भी आप बाउंड्री की बात करते हो तो हम क्या बोलेंगे एक हमको हम क्या देखना है पैरामीटर हमें क्या देखना है मीटर ठीक है और अगर मैं आपसे बोलूँ ये मुझे अंदर का बताओ ये जो एरिया मैंने रेड करा है ये है। ये पूरा रेड वाला पार्ट तो उसके लिए आप क्या निकालोगे एरिया निकालोगे ठीक है इस अंदर वाले पार्ट में आप क्या निकालोगे एरिया बासन भाई चलिए देखिए हमारे पास एक रेक्टेंगल होता है रेक्टेंगल में एक लेंथ होती है ब्रेथ होती है तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाता है टू लेंथ प्लस ब्रेड बेसिकली आपको अगर पैरेमीटर फॉर्मलो कभी याद भी ना आए तो आप क्या करना है जितनी भी साइड्स की लेंथ है उनको ऐड कर देना है मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स वो इसी की करो बस आपको क्या ध्यान रखना है सम ऑफ ऑल साइट्स आप उसका क्या निकाल सकते हैं पैरामीटर ठीक है चलिए अब उसके बाद आ जाता हूँ हमारे पास स्क्वायर तो स्क्वायर का आपको पैरामीटर यहाँ पे क्यों होगा साइट प्लस साइट प्लस साइड डेट इज फोर इन साइड ठीक है अगर हम प्लेटेड साइनिंग की बात करता है तो वो क्या हो जाएगा थ्री टू साइड क्योंकि तीन साइड है वो भी इक्वल ठीक है चलो अगर हम पेंटर की बात करते हैं पेंटर कितनी साइड होती है फाइव तो उसके लिए हम क्या करेंगे फाइव इंट लेंथ ऑफ पेंटागन ठीक है चलिए यहां पे हमारे पास क्वेश्चन आने वाले हैं जो हम बहुत ईजिली कर देंगे तो चलिए तो ये हो गया हमारा

ठीक है अब यहाँ पे हमारे पास साइज क्या है देखो थ्री 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 चलो मी प्लस थ्री प्लस थ्री उसके बाद आगे हमारे पास थ्री फोर एंड फोर देखो फोर प्लस फोर थ्री आ गया हमारे पास फोर थ्री प्लस थ्री सिक्स सिक्स प्लस थ्री कितना हो गया नाइन 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 प्लस फोर थर्टीन थर्टीन प्लस फोर सेवेंटी तो आई थिंक ये हो गया हमारा सेवेंटीन सेंटीमीटर ठीक है तो आपको बस ऐसे करके क्या निकालने पैरामीटर्स निकालने हैं ठीक है अब देखो जैसे हमारे पास ये सारे साइड मैं ठीक है तो हम यहाँ से लेना स्टार्ट करते हैं ठीक है वन से वन प्लस टू प्लस वन प्लस टू अब वो ऐसे करके सारी एंड ए कर दो ठीक है तो आपकी क्या देंगी पैरामीटर चलिए अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन पर तो इसमें लिखवा हुआ है चलिए क्वेश्चन पर सिक्स देखते हैं फाइंड द पेरिमीटर ऑफ एन एस ट्रायंगल विद इक्वल साइड सेवन सेंटीमीटर एंड थर्ड साइड इज सिक्स सेंटीमीटर तो देखो इक्विटेड ट्रायंगल में हमारे पास क्या होता है ट्राइंगल होता है इसकी दो साइड्स क्या होंगी इक्वल होंगी तो इन्होंने बोला है वो सेवन सेंटीमीटर है दोनों जो इक्वल साइड है एंड द थर्ड साइड इज सिक्स सेंटीमीटर तो हमें पता है कि हमें अब करना क्या है हमें कॉमला लगाना है सम ऑफ ऑल साइड्स ठीक है तो हमारा क्या आ जाएगा पैरीमीटर तो हो जाएगा सेवन प्लस सेवन प्लस सिक्स सेवन टू तो फोर्टीन प्लस सिक्स कितना हो जाएगा ट्वेंटी नाइन्टी ठीक है आप उसके बाद जैसे क्वेश्चन एलेवन में लिखा था पैरीमीटर फॉर रेगुलर पेंटागो ठीक है पेंटागन हैक्सागन ऑक्टागन नोना गन डेखा ये सारे हमारे साइड्स के पॉलीगन की फिगर है ठीक है जैसे पेंटागन है? है वो भी इक्वल ठीक तो है तो उसमें हमें जो ये बने वो साइड कितनी हमें थर्टी फाइव सेंटीमीटर ठीक है या हो आपको क्या निकालना पैरीमीटर पैरीमीटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे या थर्टी फाइव को फाइव टाइम्स साइड करो या फाइव टाइम्स ऑफ साइड कर दो थिंक तो फाइव इंटू थर्टी फाइव करेंगे तो फाइव फाइव ट्वेंटी फाइव टू फाइव फिफ्टीन सिक्सटी सेवनटी ठीक है ये हो जाएगा सेंटीमीटर उसके बाद आ जाता है हमारे पास एक बॉक्स वाला क्वेश्चन कर लेते हैं चलिए तो आप यही ले लेते हैं क्वेश्चन तो इसमें फाइन ऑफ फेंसिंग देखो फेंसिंग होते हैं बाउंड्री करना तो बाउंड्री करने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा पैर ओके और रेक्टेंगुलर पार्क है चलो हमें रेक्टेंगुलर पार्क बना लेते हैं ठीक है पार्क बना लिया एंड इसकी जो लेंथ है वो कितना है हंड्रेड मीटर एंड उसके ब्रेथ है वो कितनी है फिफ्टी मीटर तो आपको फेंसिंग करने लो फेंसिंग कहाँ से करोगे ऐसे करोगे ना बाउंड्री पर तो जैसे हमने बाउंड्री पर फेंसिंग करने तो हम क्या निकालेंगे पैरीमीटर चलिए पैरे का फॉर्म क्या होता है पैरे ऑफ रेड rectangular part. चलिए वो क्या हो जाएगा आपका हमने अभी पढ़ा था ना फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ ठीक है अब इसमें जो लेंथ था मैं बनना वो कितने की है हंड्रेड मीटर और ये तो एरिया का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर फॉर्मूला क्या था, 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 था? टू लेंथ प्लस ब्रेथ या फिर समूह ऑल साइड्स भी कर सकते हैं तो यहाँ पर हमारे पास लेंथ कितनी है हमारे पास वन हंड्रेड ब्रेथ कितनी है हमारे पास फिफ्टी तो करेंगे तो टू ए टू कितना हो जाएगा वन फिफ्टी करेंगे तो कितना हो जाएगा थ्री हंड्रेड मीटर तो ये क्या आ गई हमारी पैरामीटर हो गई अब हमें क्या निकालना है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग के लिए हमें कितना रेट ये बनता ट्वेल्व पर मीटर रेट से कि वन मीटर के लिए हम आपको कितना पे करेंगे ट्वेल्व चलो so, तो उसको साइड में कर देते हैं थोड़ा चलिए so, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं क्रॉस ऑफ वन मीटर फैंसे इज रुपीज ट्वेल्व ठीक है देन वी आर हैविंग द द्रॉस ऑफ हाउ मेनी मीटर्स जो क्या हो जाएगा हमारे पास हंड्रेड इंटू ट्री हंड्रेड इंटू टेंगे ठीक है तो इस साइड से आपको क्या करना है क्वेश्चन सॉल्व करने से बड़ा ही दिक्कत फी करते हैं तो सोसाइड में कर देते हैं और कुछ है क्या हमारे पास एक बार पेन निकालना है फिगर्स का ही आप निकाल ले सकते हैं हमने देख लिया चले बजाते हैं एरियाज को मैंने आप लोगों को बताया था अभी हम एरिया की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं अंदर वाला पार्ट जैसे हमने इसका निकालना है या फिर इसका निकालना है तो हम अंदर वाले पार्ट की बात करेंगे ठीक है तो इनके लिए अपने अपने अलग अलग फॉर्मूले होते हैं तो उस हिसाब से हम कर लेंगे चल अब यहाँ पे हमें स्क्वायर फॉर्म करके हमें क्या बताना है एरिया बताना है ठीक है तो बस आपको यहाँ पे देखना है यहाँ पे हमारे पास कितने स्क्वायर्स हैं वन टू थ्री जितने एक्स है उतना इधर हो गया फिर यहाँ से फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ठीक है रही तो आ जाएगा हमारा ना, नाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक विक्स भी इधर होगा कल इधर हो गए चलिए ऐसे ही आप काउंस ना और आपका क्या निकल के आ जाएगा एरिया निकल के आ जाएगा बताओ सब भी काउंट पैक्टिंग ठीक है चलिए नेक्स्ट आता है फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल वो साइड दिस तो चलिए हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना सीखा था अभी थोड़ी देर पहले गलती से एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर हमें लेंथ एंड ब्रेथ है देन वी हैव टू फाइंड आउट द दाइंड उसका फॉर्म ब्रेथ अब यहाँ पे हमें लेंथ इतने की वन है ट्वेल्थ और ब्रेथ इतने की वन है टेन सेंटीमीटर तो उसको करेंगे तो वन ट्वेंटी एंड सेंटीमीटर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर तो जब भी हम एरिया निकालते तो हमारी यूनिट किस किसम आती है स्क्वायर में ये बात ध्यान ठीक है एंड फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर बोथ साइड्स आर दिस अब देखो जैसे रेक्टेंगल वैसा होता है हमारा ठीक है तो हमने इसमें रख लिया अब जैसे हम स्क्वायर बनाते हैं हमारा स्क्वायर बन गया फिर उन्होंने तो बोला कि ये जो स्क्वायर है इसके साइड कितने एट सेंटीमीटर है अब हमें क्या निकालना है एरिया तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाता है एरिया ऑफ स्क्वायर टू साइड साइड ठीक है क्योंकि हमें पता है इसकी साइड साइड से होंगी एट 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 तो हम यहाँ पे क्या करेंगे एट इन टू एट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा सिक्सटी फोर स्क्वायर ठीक है तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर नेक्स्ट आता है लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ थ्री डिस्टेंगल्स आई पे विच हैज द लार्जेस्ट एरिया एंड विच वन है स्मॉल देखो आपको तीनों के एरिया निकालने एरिया निकालने मैंने वो आप लोगों को सिखा दे हैं। उसे बस लास्ट में बता देना किसका ज्यादा है किसका कम है ठीक है चलिए एंड हेलो इसमें से अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमें बोले गए थे एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड ओके तो ध्यान से देखना यहाँ पे लिखा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड कार्डबोर्ड कार्ड बोर्ड में ये हम तो जो भी हमारा कितना है थर्टी सिक्स सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड इट्स लेंथ इज तो पे आप लिखी लेंथ ऑफ कार्डबोर्ड। ठीक है जो भी हमारी कितने, है नाइन सेंटीमीटर और उसके बाद हमें निकालना है बर्थ ऑफ द कार्डबोर्ड। वेथ ऑफ पार्टवर्क कितना है हमारा तो हम कैसे करेंगे लेंथ इनटू टू ब्रेथ सॉरी का फॉर्मूला क्या होता है देखो एरिया का फार्मूला होता है हमारे पास लेंथ इन टू ब्रेथ ब्रेथ ही क्या होता है हमारी वेट होती है अभी मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा एरिया अपॉन लेंथ इज टू ब्रेथ तो अब हमें यहाँ पे क्या निकालनी है वेथ की तो निकालनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे हमारे पास एरिया कितना है एरिया ऑफ अपॉन लेंथ एरिया है हमारे पास थर्टी सिक्स लेंथ है हमारी नाइन इससे स्कूल काट देने तो कितना आ जाएगा फोर सेंटीमीटर हमारी क्या आ जाएगी वेट ठीक है चलिए स्पॉट आ देते हैं चलिए अब उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास अब वो फाइव मीटर लॉन्ग दिस एंड एंटे में स्क्वायर सेंटीमीटर टू गवर्स है ये तो सिंपली कारपेट निकालना स्टेटर निकालना एरिया क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा बाई शिफ्टिंग द फॉलोइंग फिगर्स एंड द रेक्टेंगल फाइंड द एरिया ओके चलिए तो हम कौन से फिगर चूज़ करने वाले हैं हम करने वाले हैं डी फिगर चलिए तो कैसे करते हैं देखते हैं थोड़ा सा हम इसे मेजरमेंट करेंगे ठीक है आप देखो मैंने क्या करा एक लाइन यहाँ पे ड्रा कर ली और एक लाइन मैंने यहाँ पर ड्रा कर ली ठीक है इतना करने के बाद आपको यहाँ पर एक रेक्टेंगल सर ये दिखाई दे रहा होगा एक ये दिखाई दे रहा है और एक ये वाला दिखाई दे रहा है ठीक है अब मैं इनको तो नाम दे लेता हूँ पार्ट्स में आए जैसे ये फर्स्ट पार्ट ये सेकंड पार्ट ये थर्ड पार्ट चलो मैंने ये फिगर कर लिए यहाँ पे साइड हम देखो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास ये लेंथ कितने टू रेथ कितने टू तो हम हम निकालने वाले हैं एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट तो यहाँ पे आपने दिखाई दे रहा है लेंथ इनटू ब्रेथ लेंथ विद ए टू ब्रेथ वी इज इक्वल टू और नॉर्मल लाइन तो इतना ज्यादा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है फिर हमने क्या निकालना है एरिया ऑफ सेकंड पार्ट ठीक है तो यहाँ पे हमने देखा लेंथ कितनी टू यहाँ पे भी ब्रेथ कितनी टू ये हो गया हमारा टू तो इंटू टू ही हो जाएगा वहाँ फोर सेंटीमीटर स्क्वायर अब थर्ड वाला पार्ट देखो अब इतना फाट कितना है फोर है ये पूरा कितना है फोर है तो देखो अगर ये टू है ये भी फोर है ये टू है तो इतना हो गया एट हो गया पूरा यहाँ से यहाँ तक तो भी यहाँ पर भी एट है अब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना था फोर था जैसे आप यहाँ देख दो ये कितना तो पार्ट टू था ये कितना पार्ट हो जाएगा टू हो जाएगा ऐसे ही वाला पार्ट भी टू हो जाएगा तो तो एरिया निकाले थर्ड पार्ट पर एरिया ऑफ थर्ड पार्ट ठीक है तो यहां पे आपको क्या मिलेगा एट लेंथ है ब्रेथ कितनी टू एट टू कितना हो जाएगा सिक्सटीन ठीक है इतना करने के बाद हम क्या निकालेंगे एरिया ऑफ फिगर एरिया ऑफ फ़िगर थ ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर एग फिगर में क्या करेंगे फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट को ऐड कर देंगे जो कि हमारा क्या होगा फोर प्लस फोर प्लस सिक्सटीन सिक्स प्लस फोर ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है तो ये हो गया हमारा बेस्ट तो ये हो गया ये हो गया चलिए उसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है अब हाँ तो यहाँ पे हमें बोला गया कि रेक्टेगुलर टाइल्स हैं जिनकी डायमेंशन कितनी है ट्वेल्थ सेंटीमीटर एंड फाइव सेंटीमीटर के और यहाँ पे हमें जो एरिया की बन कितना ग्यून है कितना गेवन तो हमें जो फ्लोर के एरिया की बने उसके ऊपर टाइल्स एक टाइल के एरिया के बने तो हमें क्या निकालने हैं नंबर ऑफ टाइल्स ठीक है तो, है तो आप इसके लिए एक छोटा सा फॉर्म लॉस आया ठीक है वैसे वो कुछ ऐसे खास नहीं है बट आप लोग देखो अगर हमें नंबर ऑफ टाइल्स निकालने तो हम क्या करेंगे एरिया ऑफ फ्लोर चलो एरिया ऑफ रीजन जो भी आपको व्यू बने जैसे हमें रेक्टेंगुलर रीजन की बने ये अपॉन एरिया ऑफ टाइप एक एरिया टाइल का है ठीक है तो देखो उसमें लेंथ और ब्रेथ भी बन है तो उसका मतलब हमें क्या लगाना है लेंथ इनटू ब्रेथ भी लगाना है जो भी एरिया निकालनी है यही फॉर्म का होता है हम एलवन यूज कर लेते हैं यहाँ पर भी दोनों की अलग अलग लेंथ और ब्रेथ तो पहले हमने देखा रीजन कितना तो है तो हंड्रेड सेंटीमीटर इंटू वन फोट फोर सेंटीमीटर एरिया ऑफ टाइल तो हो जाएगा ट्वेल्थ इंटू फिफ्टीन सॉरी फाइव था ना वो चलिए फाइव तो देखो ट्वेल्व ट्वेल्व सा वन फोर्टी फोर होते हैं फाइव टू सा टेन और जीरो ट्वेल्व टू सा ट्वेंटी फोर और ज़ीरो तो यहाँ आ जाएगी फोर टू फोर्टी टाइल्स चाहिए हमें अप्रॉक्स ठीक है चलिए आगे चलते हैं ये चैप्टर हो गया खत्म ओके क्लास थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग केयरफुली आएगा आपको आएगा सुन में आए होंगे अच्छे से प्रैक्टिस करिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर